नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 और 12 दिसंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अश्वमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते हैं अश्वमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, राशि में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी के महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 11 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों दिन शनिवार का दिन होगा, भगवान शनिदेव का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन पूर्व भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो शुरुआत सिद्धि नाम का शुभ योग और व्यातिपात नाम का दो शुभ योग रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, इन दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 9:41 से लेकर सुबह के 11 बजे तक। और दोस्तों, चंद्रमा ये दिन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 12 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों दिन रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी और दोस्तों उत्तर भाद्रपदा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो व्यातिपात नाम के योग के उपरांत ही इस दिन वरियान नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे और यह योग भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। राहु कल के समय शाम के 4:19 से लेकर शाम के 5:38 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मीन राशि पर संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं दो दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय आप आत्मनिर्भर रहना पसंद कर सकते हैं। आप एक अच्छे सलाहकार और योजनाकार हैं। आपका विनोदी जो स्वभाव लोगों को आकर्षित करने में यश में सहायक बन सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको पदोन्नति मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, यश में नेगेटिव को लेकर बात करें तो संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं यश में संभव है। अतः कोशिश करें कि आपके भीतर अहंकार युक्त भावनाएं न पनपने पाए। दोस्तों, गुरुजनों और माता पिता से संबंधों को और बेहतर बनाने की यश में आप कोशिश करें। कोशिश करने से आप विपरीत परिस्थितियों से उभर कर पारिवारिक सामंजस्य बनाने में यश में आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए अपने फोकस को बढ़ाने का समय रहेगा। दोस्तों, आप अपने लिए अभी तक जो नहीं कर पा रहे थे उसके लिए फिर से प्रयास शुरू करने का समय होगा। अगर आप अपने लिए कोई लक्ष्य तय किए हैं तो दोस्तों यह समय लक्ष्य को जानने का समय रहेगा। यह समय आप प्रयास कर सकते हैं और उसकी ओर आप अग्रसर भी हों। यदि आकर्षित रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो वह जल्द ही सामान्य हो जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखें। वह दोस्तों, इन दिनों अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने लिए दोस्तों कोई नया योजना पर आप काम शुरू कर सकते हैं। बिजनेस के लिए ये दिन सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, यश में कुछ व्यावसायिक और अनुभवी व्यक्तियों के मिलने से आप अपनी कार्यशैली में सुधार भी कर पाएंगे। कुछ परेशानियां यश में आ तो सकती है लेकिन आप अपने काम को पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आप यश में बीच बीच में काम में समय निकालकर अपने प्रीतम को भी समय दें, अपने प्यार भरी बातें करें और दोस्तों उन्हें चाहें तो कोई अच्छा सा तोहफा भी यश में दे सकते हैं, ताकि दोस्तों उन्हें इस बात का एहसास न हो कि आप उनसे दूर हैं या फिर आपका जो प्यार है उनके लिए कम हो गया है। दोस्तों, यश में वैवाहिक संबंधों में प्रेम और समर्पण रहेगा, आपके लिए समय अनुकूल ही रहेगा। वहीं दोस्तों, हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो यश में जोड़ों में दर्द से आपको परेशानी रह सकती है, इसको लेकर आप सावधान रहें। यदि आपको थोड़ी सी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नज़र आए तो दोस्तों तुरंत योग्य चिकित्सक से जांच करवाएं। जरा सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में यश में डाल सकता है। दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी
और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यशमिक गणेश जी बताते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक होने की आपकी पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिल सकता है। गणेश जी का सलाह है कि इस लाभ में चूक न जाएं और विनम्रता से उसका आप आनंद उठाएं। वही दोस्तों यशमी आपकी धन की स्थिति की बात करें तो दोस्तों यशमी अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। वे पार्टनर, कर्मचारी या फिर शुभचिंतक भी हो सकते हैं। दफ्तर में आप जो भी काम करेंगे वो आपको संतुष्टि देगा। गणेश जी की सलाह है कि यश में प्राथमिकताओं को हल करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करें। दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में किसी खास व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए शाम का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपकी भावनाओं तक गहराई और कामुकता आपके पीर को खुश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों गणेश जी को लगता है कि ये आपके लिए आरामदायक शाम होगा दोस्तों, और जिसमें आप हर पल का आनंद लेंगे। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि आप अपने मन का अनुसरण करते हैं तो दोस्तों यश में आप भ्रमित भी हो सकते हैं। गणेश जी आपको सलाह देते हैं कि आप अपने अंतर्ज्ञान और अपनी भावनाओं के अनुसार काम करें। दोस्तों खासकर वित्तीय मामलों में जिस पर आपको त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। दोस्तों यश में चुकी यात्रा के लिहाज से आप कुछ कमज़ोर हैं, इसलिए लंबी यात्राओं से यश में बचने की कोशिश करें। दोस्तों यश में निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए हैं उन पर विचार करें, लेकिन दोस्तों धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भलीभांति अध्ययन कर लें। दोस्तों यश में दिन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रकार का प्रयास करेगा। दोस्तों आपका संगी आपका भला सोचता है इसलिए कई बार आप पर गुस्सा भी कर बैठता है। दोस्तों उसके गुस्से पर आप नाराज न हो। दोस्तों यश में उनकी बातों को समझें। कामकाज के मोर्चे पर आपको सबसे स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। वक्त पर चलने के साथ साथ आपको वक्त भी देना आवश्यक है। दोस्तों यह बात आप समझेंगे लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, लेकिन दोस्तों सेहत गड़बड़ भी हो सकती है। दोस्तों यश में आप बहते जल में श्रीफल यानी नारियल प्रवाहित करने से आपका जो है स्वास्थ्य यश में अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों यश में लक्ष्मी की वृद्धि हेतु नए मकान के प्रवेश द्वार पर कुड़ियों का तोरण द्वार लटकाने से ऊपरी बाधाएँ खत्म होती है, नज़र टोना नहीं होता है, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।